हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बलाज और आप देख रहे हैं सोनिया वर्ल्ड। मैं रिएक्शन लेकर आया हूँ किसी का भाई किसी की जान पार्ट टू। इंट्रो सीन मैंने दे दिया था और इंट्रो सीन में मैंने आपको बताया था कि सलमान खान की एंट्री डिजर्व वैसी नहीं करती जैसे वो खुद हैं, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है मूवी में, क्योंकि पहला सीन तो सलमान खान की एंट्री ने मेरा दिल तोड़ दिया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप उनको इस दुनिया में अकेला क्यों छोड़ना चाहते हो? एंड यू माई फ्रेंड, कोई है आपकी जिंदगी में? बूढ़े माँ बाप। इस उम्र में अपनी अर्थियां उनसे उठवाओगे? कैसे नालायक बेटे हो। उफ, हैंडसम मैन। आपके जीवन में कौन है? कोई नहीं, अकेला। छोड़ गए? एक्सप्रेशन से लग रहा है, लेकिन आप ओए हेलो क्या है? हाँ बोल। ओ यार, ये स्काई एक्सचेंज क्या है? आजकल इतनी बड़ी बातें सुनने मिल रही हैं। तुझे स्काई एक्सचेंज नहीं पता? स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कैसीनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बैटिंग, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का? अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। और तो और, इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाएं और साइन अप करें www.skyexchange.com पर और 2% बोनस ऑन एवरी डिपॉजिट ऑफ 5K एंड अबव। अरे यार, ये तो बड़ी मस्त स्कीम है, रुक अभी जाता हूँ। समझदार लोग मैंने पहली बार देखे हैं। लॉयल्टी वफा बहुत कमाल की चीज है, लेकिन करो तो वफादारों के साथ, गद्दारों के साथ नहीं। वैसे तेरा ही है मेरे, कितना भी कमी ना हो, साला रेसिस्ट नहीं है। अगली बार हमारे इर्द गिर्द दिखाई नहीं देना। तुझे और तेरे भाइयों को एक दिन यहीं पर सबके सामने मार दूंगा। Bring it on. तुम तीनों ने एक वादा किया था ना कि तुम्हारी लाइफ में कभी लड़की नहीं आएगी। तुम तीनों ने डिसाइड किया था ना कि भाईजान की तरह कभी शादी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? What happened now? अबे तुम दोनों राशन पानी लेके क्यों चढ़ रहे हो बच्चों पर? प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब भाईजान अगर शादी नहीं करना चाहता तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये भी नहीं करेंगे। चाचा, लव यू चाचा। बिल्कुल सही कहा चाचा आपने। एक आप ही तो है जो हमारा दर्द समझते हैं, और ये दोनों हमारी गर्लफ्रेंड तो काफी टाइम से है, और ये बात हम सोच रहे थे भाईजान को बताएंगे, लेकिन लेकिन कैसे?
और जो तरीका है शादी ना करने का, ये तो उन्होंने अपनाया है ना। ओए ठंडरक। ओए इजी इजी यार, तुम तीनों के मुंह से ना बगावत की बू आ रही है। इसमें बगावत वाली क्या चीज है यार। हाँ? अभी प्यार हो गया तो हो गया, कोई गलती थोड़ा ना कर ली। अब वैसे भी सबकी अपनी लाइफ होती है, कोई कंट्रोल थोड़ा ना कर सकता है किसी को। अच्छा कंट्रोल, और क्या करते भाई, यहाँ से जाके बात कौन करता कि हमारी लड़की ऐसी रही है। अरे यार ऑनेस्ट फैक्ट ये है, वो हमारे बड़े भाई हैं, सैक्रिफाइस किया तो किया, फर्ज है भाई अपना, व्हाट्स द बिग डील, सब करते हैं यार। इसमें बिल्कुल सही। बस बेटा लाइन क्रॉस कर रहे हो। ऑनेस्ट फैक्ट तो ये है बेटा कि जब तुम्हें सच का पता चलेगा ना, तो सच तुम सुन ही नहीं पाओगे। कौन चाचा, रहन दो यार। बेटा अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसके लिए तुम्हारा भाई मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन अब तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो और वो कौन है। और सच यह है बेटा कि ना तुम तीनों एक दूसरे के सगे हो और ना वो तुम्हारा सगा है। तुम तीनों ऑर्फनेज में पाए गए थे जहां तुम्हारा भाई काम किया करता था, क्योंकि वो खुद एक अनाथ था। और फिर एक दिन ऑर्फनेज में आग लगी, उसने अपनी जान पे खेल के तुम तीनों को बचाया। और जब तुम तीनों को उसने अपने सीने से लगाया ना, तो उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि वो तुम तीनों को कभी नहीं छोड़ेगा। और उसी कसम की वजह से उसने शादी नहीं की, उसने भाई होने का फर्ज निभाया, सेक्रीफाइस किया और तुम्हारी अच्छी परवरिश को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। एंड दैट वॉज ए बिग डील। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें सुलाकर वो रात भर खुद पढ़ता था, ताकि लोग तुम्हें ये ना कहें कि तुम्हारा भाई अनपढ़ गवार है। एंड दैट यू डोंट फील एम्बैरेस्ड। बेटा अगर ये रिश्ता टूट गया ना, तो वो टूट जाएगा। नहीं चाचा, हम भाईजान को अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं देंगे। सॉरी। शाबाश, पर तुम उसे कभी बताना नहीं। कभी नहीं चाचा, कभी नहीं। गाइस यहाँ पे जाना था तो। हेलो डॉक्टर। समझ गए होंगे आप लोग। आप लोग इसे कुछ बात करना चाहते हैं? बेहोला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो भाईजान से और ज्यादा प्यार करते हैं। अगर भाईजान को लगता है कि हमारी वजह से उनका बॉन्ड खराब है, तो हम उसकी वजह नहीं बनना चाहते। हमारी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है कि आप प्लीज भाईजान को इस सब के बारे में मत बताना, उनको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। इट्स फॉर द बेस्ट दैट वी बैक ऑफ। हो गया तुम्हारा? बेटा ये अंग्रेजी जुमले ना हमारी समझ में नहीं आते हैं। दिल में जो सच्ची बात है ना, वो हमारे सामने बोलो। आपको पता है वो मेरा फर्स्ट लव है, कितनी मुश्किल से मिलते हैं। हमारे माँ बाप ना हमारी कहीं और शादी कर देंगे, मजबूरन निभानी पड़ेगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में कोई दूसरा या तीसरा आए। नहीं, फर्स्ट लास्ट। ये हुई ना बात। तो गाइस इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा इसका फाइटिंग सीन कैसा था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि भाई फाइटिंग सीन चलो आ गया फाइनली। लेकिन उसके बाद जो सीन आया, क्या सीन आया। देखें सीन बनाने के भी कुछ से फार्मूले होते हैं और सारी चीज़ होती है। अब आप खुद देखें, अगर मैं कोई सीन बना रहा हूँ तो उसको ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि भाई हमने बंदों को मारा, बंदे पड़े हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल क्या किस पॉइंट में बोलूँ, खिलाड़ी 786 जो अक्षय कुमार की फिल्म है, उसमें क्या चीज़ बताते हैं वो कि तीन चीजें कभी नजर नहीं आती। उसमें एक ये बोलते हैं कि 72 सिंह की रफ्तार, तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो मार मार के सबके सामने खड़ा हो जाता था। बंदा दूसरी चीज ही देख रहा होता था, लेकिन वो बाद में देखता था तो सब गिरे होते थे। लेकिन ये जो फाइटिंग सीक्वेंस था, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि इन लोगों ने सबसे खुद से इमेज कर लिया कि भाई हमें ऐसा ऐसा मारेगा। अब ऐसा ऐसा कौन इमेज कर सकता है कि भाई सामने वाला मुझे ऐसा ऐसा मारेगा और उसके बाद मैं उसको देख के बोलूं कि भाई ठीक है अल्लाह हाफिज़ हम जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सीन और सारी चीजें। बाकी दूसरा ये था कि सलमान खान ने इन लोगों को पाला है, ना तीनों इसके सगे हैं, ना सलमान खान इनका सगा है। बाकी ये जो एक्टर थे इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक इनको अब इनके मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, अल्लाह पाक इनको सारी चीजें दे, जैसे भी होता है सारी चीजें। बाकी आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा बिल्कुल जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरी बात यह कि मैं इसके पार्ट लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहें, इमेजिन करते रहें, जैसे ये फिल्म में फाइटिंग सिक्वेंस में इमेज किया उन लोगों ने वैसे इमेजिन करते रहें, और मेरे सब्सक्राइब मुझे करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं नई से नई वीडियो को आप लोगों के सामने हाजिर करता रहूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जब तक के लिए मैं हूँ बजाज, अल्लाह हाफिज़।